9.25 करोड़ में बिकने के बाद गौतम को रोहित पांड्या ने लगाया गले और रोने लगे थे माता पिता। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम के नेट गेंदबाज कृष्णप्पा गौतम इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में 9.25 करोड़ रुपए में खरीदे जाने के बाद अभी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा नीलामी के बाद उनके माता पिता और पत्नी के आंसू छलकाए थे। चेन्नई में गुरुवार को हुई नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑलराउंडर गौतम को मोटी धन राशि देकर खरीदा। उन्होंने अब तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला। इस तरह से वह सर्वाधिक धन राशि में बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने करुणाल पांड्या के 2018 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिन्हें तब मुंबई इंडियंस ने 8.8 करोड़ रुपए में खरीदा था। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में शामिल गौतम ने ESPN क्रिकेटरों से कहा, यह तनावपूर्ण था। टीवी देखते हुए मैं बेहद बेचैन था। उन्होंने कहा, मैं अहमदाबाद पहुंचा और मैंने अभी टीवी खोला ही था कि मेरा नाम आ गया। मिनट दर मिनट भावनाएं बदल रही थी। तब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने मेरा दरवाजा खटखटाया और उन्होंने मुझे गले लगा दिया और पार्टी देने को कहा। गौतम का आधार मूल्य 20 लाख रुपए था। उन्हें लेने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बोली चली, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स बाद में इसमें शामिल हुआ। कर्नाटक के इस 32 वर्षीय ऑलराउंडर का IPL में खास रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने 2018 के बाद 3 सत्र में 24 मैच खेले और 186 रन बनाने के साथ 13 विकेट लिए। वह 2018 और 2019 में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेले, जबकि 2020 में किंग्स 11 पंजाब का हिस्सा थे, जिसके लिए उन्हें केवल 2 मैच खेलने का मौका था। गौतम के माता पिता और पत्नी बेंगलोर में थे और उन्हें यह खबर पता चली तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। गौतम ने कहा, मेरे माता पिता के आंसू छलक आए, ये खुशी के आंसू थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।